चेन्नई एक्सप्रेस। काश कैसी बर्फ के मौसम में मैं यहाँ जा सकता और इन हरे भरे जंगल में घूम सकता, इस बर्फ की सफेद चादर ओढ़ सकता, इसमें खेल खेल कर मगन हो जाता। बट मेरे तो नसीब में नहीं थे यार, इतना बावला हो गया था इस बर्फ के पीछे कि देखनी है। बट हम तीनों गए तो थे, इंजॉय किया, बट हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी स्टोरी जो है काफ़ी दर्दनाक है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ऐसी स्टोरी जो आपके सुनकर ना आपको लग पता जाना है कि क्या हुआ हमारे साथ। बहुत मौज मस्ती में गए थे हम, बहुत एंजॉय करना का सोचा था, बट नसीब में नहीं था, किस्मत ने हमारे यहाँ रास्ते में कुछ और ही लिखा था, बहुत सोचते हैं हम। बट क्या कह सकते हैं, किस्मत के आगे हार माननी पड़ी। आज को आपको इस स्टोरी के बारे में बताते हैं कि असल में हमारे साथ हुआ क्या। तो लास्ट स्टोरी का तो एंड यहाँ पे हुआ था, असल स्टोरी यहाँ से आगे शुरू होती है कि मरीज आने के बाद हमारे साथ हुआ क्या। तो आपको यहाँ से आगे स्टोरी की तरफ ले चलते हैं। तो गाइस ऐसे प्रैंक पे एक लाइक तो बनता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू रखें। तो गाइस वहाँ से आगे की स्टोरी शुरू करते हैं। वहाँ से हम बाड़ियाँ पहुँचे तो यहाँ पे भाई की दोस्त, मेरा दोस्त जो है जिगरी यार, मुझे मिला काफ़ी अरसे के बाद, स्कूल के बाद जो है ना आज मुझे मिला। तो हमने खूब सारी बातें की, गपशप की, साथ जो है इतना टाइम तो नहीं था, वो जितना टाइम में जो है उसके साथ स्पेंड किया हो उसके साथ जो है बातें वगैरह की, मिलने वगैरह की प्लानिंग की। तो जो है फिर हम थोड़ी देर बातें वगैरह करके तो वहाँ से मैं निकल गया। तो गाइस सर्दी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी, एक तो बर्फ़ में हम घूमते रहे तो उसकी वजह से ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो उसकी वजह से हमने क्या किया कि सर्दी का हल निकाला, हमने जो है वहाँ पे 2-10 समोसा प्लेटें खाई और फिर साथ जो है पकौड़े ले लिए, और फिर जो है पकौड़े खाते खाते हम आगे की तरफ निकल गए। तो गाइस यकीन करें यहाँ पे पहुँच के ना जन्नत जैसा मंजर नज़र आता बंदे को, बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे। और ख़ास करके जिगरी यार भाई हो साथ अपने तो बहुत ही मज़ा आता है, इनके साथ तो बहुत ही मैंने फ़न किया, शुगल मेला किया हर किस्म का, और जो है बर्फ़ में खूब मज़ा यहाँ पे किया। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि गाड़ी से बाहर निकल के वीडियो बनाई, काफ़ी सुकून मिल रहा था, मज़ा आ रहा था, एंजॉय करना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मैं मरी में आया था, कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था मैं अपने मरी जाने पे, कि कुछ ऐसी मेमोरीज बनाना चाहता था जो मुझे कभी ना भूलें। तो ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेमोरीज बनाई भी हैं, यादें कुछ ऐसी हैं जो है मुझे कभी नहीं भूलेंगी, और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने यहाँ पर। आप देख सकते हैं मेरे बैग पर नज़ारा, धुंधी छाई हुई थी, साथ बर्फ़ भी लगी हुई थी, नज़र नहीं आ रही कैमरे में मगर लगी हुई थी, इतनी नहीं थी लगी हुई मगर थोड़ी थोड़ी लगी हुई थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था। गाइस बात कुछ ऐसी है ना कि मैंने जो है गाड़ी से बाहर निकल के वीडियो बनाई है, और जो है मेरे हाथ जो है ना काफ़ी ठंडे हो गए, मगर जो फोटोशूट के लिए यहाँ पर भी आना था, अभी थोड़ी बर्फ़ वगैरह हो रही है तो ये देख सकते हैं आप, मज़े की बर्फ हो रही है। तो ये जो है पिक्चर,
तो यहाँ से हमारा वीडियो और फोटोज़ का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ पे वीडियोस जो है स्लोमो बनाना, वीडियोस बनाना, काफ़ी तरह के वीडियोस स्लोमो हमारे यहाँ पे बने। साथ साथ बर्फ़ एंजॉय करे थे, साथ साथ गपशप करे थे। तो बैक पे देख सकते हैं भाई और मसी भाई शुरू हो गए थे, मैंने भी थोड़ी देर में शुरू हो जाना है, और साथ साथ जो है व्लॉग बना रहा था। आवाज़ मेरी यहाँ पे सही नहीं आ रही थी, वरना मैं आपको ओरिजिनल वॉइस यहाँ पे सुनाता, क्योंकि वक्त में मुनासिबत से जो है अलग बातें होती हैं। तो गाइस कुछ ऐसा करना चाह रहा था कि सब कुछ हो गया था, बट एक चीज़ रह गई थी, स्नो फाइट रह गई थी। तो मैंने यहाँ पे क्या सोचा कि अभी अब हम करेंगे स्नो फाइट। तो ऐसे ऐसा चुपके चुपके जो है दबे पाँव में चलने लगा, ठीक है, आराम आराम से जो है भाई के पास गया, भाई और मसी भाई के पास गया, और ये यहाँ पर मैंने मार दिया। बट इनको पता था वीडियो बना रहा हूँ, तो इन्होंने आगे से कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर जो है मैंने अच्छे से ना एक मजबूत सा बर्फ़ का गोला बना के ना इनके देखना सर पे अभी मारूंगा मैं। तो लेट्स गो, अभी जो है मैंने ये ठोका, मगर इनको फिर पता है इन्होंने जो है ऐसा किया। फिलहाल तो अभी मजाक चल रहा था, मजाक में इन्होंने ले लिया मुझे, बट भाई ने जो है मुझे यहाँ पे आके पकड़ लिया। तो मैंने क्या किया कि अभी जो है एक और मारा पिना, ठीक है, फिर अभी जो है यहाँ से हमारी स्नो फाइट शुरू हो गई थोड़ी देर के लिए। मौसी भाई को भी नहीं बख्शा मैंने, ना भाई को बख्शा, मैंने बहुत सारे मारे, और जो है खुद यहाँ से देखिएगा मैं खुद बचूंगा, बट लास्ट में मैं बच नहीं सका। आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बैक कैमरा की आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी सी हमारी स्नो फाइट हुई। मैं यहाँ पर बता रहा था कि मैं जो है हर बार बच जाता हूँ, तो बट इस बार जो है बच नहीं सका भाई से। बहुत जालिम किस्म का जो है मुझे यहाँ पे भाई ने बर्फ़ का गोला मारा, और जो है आप देखिएगा आगे क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने स्लोमो जो बनाया था, स्लोमो का आपको जो है नज़ारा कराते हैं, बहुत मज़ा है यहाँ पे एंजॉय किया। बर्फ़ काफ़ी अच्छी थी, ये थोड़ी थोड़ी आपको यहाँ पे बर्फ़ भी नज़र आ रही होगी। फिर यहाँ भैया दी क्रिएट का मैंने स्लोमो बनाया, बहुत अच्छे लग रहे थे दोनों, बहुत एंजॉय किया इनके साथ। ये हमारा फर्स्ट टूर था अमेरिका एक साथ, मतलब बर्फ़ में जाना घूमना फिरना, ये एक साथ मतलब एंजॉय करना, ये फर्स्ट टूर था हमारा, और बहुत एंजॉय किया है। देख सकते हैं जब सर्दी होती तो क्या कुछ नहीं करना पड़ता। शॉल्स जो है हमने अपने साथ ले गए थे, जैकेटें भी पूरी तैयारी के साथ गए थे, और जो है जैकेट्स वगैरह तो तीन जैकेटें साथ रखी थी, साथ शॉल्स भी थी, बट फिर भी सर्दी जो है कंट्रोल में नहीं आ रही थी। फिर हमने फैसला किया कि अभी हमें वापस पिंडी के लिए निकलना चाहिए। तो यहाँ से हम जो है वापस घर जाने के लिए तैयार हो गए, गाड़ी में बैठने लगे। मौसी भाई गाड़ी मोड़ के लिए आए, तो अभी जो है हम गाड़ी में बैठेंगे और वापस पिंडी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मौसी भाई फुल तैयार थे। अभी शाम हो गई है, बड़ा गली के मुकाम पे हैं, यहाँ पे भी थोड़ा फोटो शूट ज़रा किया, तो अभी हम जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो एवरीवन लाइक कर दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Skin and bone, hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place.